1 6 से लाउडली ओके उसको मिटाओ. आपको कौन बोला है लिखने के लिए? सो 10 इज एक्स एक्स. व्हाट नंबर इज दिस इज व्हाट यू से एक्स रोमन नंबर. रोमन नंबर 10 इज एक्स. नेक्स्ट 6 इज शुभुना. आई से ना मम्मा. फाइव प्लस वन इज सिक्स. व्हाट इज दैट? सो 6 इज थ्री आई. थ्री आई इक्वल टोटल. व्हाट द टोटल? ये रहा हमारा खाना. खाना और क्या करो? इवनिंग स्नैक्स होते हैं मम्मा जी. खाना थोड़ी होता है. ये मेरे लिए चाय थोड़ा सा और ये मम्मी का. अरे मुझे थोड़ा ही खाया था ना. गुड इवनिंग. आज गांधा जी हमने ये आज गांधी जी का बर्थडे है. आज मैं आज दूध नहीं पी रहा हूँ. मैं आज चाय पी रहा हूँ. नाइट होएगा क्योंकि 8:45 हो चुका है. सुबह का स्टडी अभी खत्म हुआ. यहाँ पे सारा है वो ऐसे भाग गया क्योंकि मैं फोटो क्लिक कर रही थी स्कूल में देना है. ऑनलाइन का जो प्रोसेसिंग है ना बहुत ही हेडेक वाला है और आज दोपहर को मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई. टाइम ही नहीं हुआ और मेरा ये चल रहा है तो मैं सो गई थी. और ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट है. जो शुभ ने स्टार्ट किया कि वो कुछ ऐसे कुश्ती कर रहा था मेरे साथ तभी वो स्टार्ट कर लिया कि मम्मा शूट करो. तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग में मेरा ऐसा मोटिव नहीं था क्योंकि तभी जब मेरा डाउन रहता है ना मेरा मूड ही नहीं करता है कि कुछ भी करो. तो बस वो स्टार्ट किया तो मैं सोची ओके मैं ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि आज ये गांधी जयंती. सो हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल माई फ्रेंड्स क्योंकि 2 अक्टूबर है. और मैं सोचा था मॉर्निंग में सोचा था कि इस करूँगी सब करूँगी बट ये ना मुझे बहुत परेशान कर रहे बहुत परेशान कर रहे. मेरा आईज है ना बहुत पेन हो रहा है जिस वजह से मैं ना देखने के मीन्स ऐसे आईज खोल के मैं बैठ नहीं पाती हूँ
जितना मैं रेस्ट करती हूँ उतना अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं। दोपहर को पूरा सोया था मैंने, लंच के बाद सो गई थी। खिचड़ी बनाया था, अभी भी थोड़ा सा है, ज्यादा खा ही नहीं पाई मैं, ऐसा होता है तो नहीं होता है मुझे खाना। और थोड़ा सा खा के मैं सो गई थी, मेडिसिन लिया था, फिर भी कम नहीं हुआ है। शाम को ही जाके जैसे किचन में घुमा तो मेरा हिम्मत भी नहीं हो रहा है आज मैं मार्केट जाऊँ, मार्केट भी नहीं गई। सुबह का स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ था, मुझे स्कूल में भेजना है होमवर्क, तो इसी वजह से मैं उसके पीछे लगी थी। मैंने अभी जो कल घर में बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अभी बहुत टाइम हो गया है मेरा तबीयत ऐसे ही, हेडेक जो है ना वो चल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बीमारी है, बस हेडेक जो है ना वो चल रहा है, जिस वजह से वीडियो कॉल करूंगी तो मम्मी मैश हो जाती है, ऐसे तबीयत खराब है मैं बाहर हूँ तो मैश होती है, इस वजह से मैं वीडियो कॉल नहीं करती। बट आज ना छोटू बाबू को देखना था, वो वीडियो कॉल में आई थी तो मैं वीडियो कॉल कर ली, और मम्मी परेशान होती है और इस वजह से भी मैं ना ज्यादा यहाँ पे शेयर नहीं करती हूँ या वीडियो नहीं बनाती हूँ, जब मेरा तबीयत खराब रहता है तो मैं वीडियो ही नहीं बनाती हूँ, तो इसी वजह से ना मैं यहाँ पे कम शेयर करती हूँ, जो भी प्रॉब्लम होता है तकलीफ होता है ना वो मैं कम शेयर करती हूँ। गैस के थ्रू ये ना झापसा हो जाता है और मेरा आईज पेन हो रहा है, जिस वजह से मुझे गॉगल पहनना पड़ता है, और इस तरह से मुझे अगर मम्मी देखती है ना थोड़ा सा दुखी होता है। तो वही इवनिंग टाइम चल रहा था और सुबह का स्टडी अभी खत्म हुआ, उसी बीच ही मैं मेरा दो तीन काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ काम किया जाए। मेरा एक स्पेनिश एग, ठीक है, वो ऐसे ही टूट जाता है, मुझे ना बिल्कुल अभी नहीं होता है, इस तरह से वो केक बन के आता है और दोनों साइड आपको अच्छे से पकाना पड़ता है, और बस हो गया टुकड़ा, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, उसके बाद उसको पलटी किया तो चलो रोटी भी बन गया है, ये भी हो गया है, अभी मैं जाती हूँ थोड़ा सा पंखे के नीचे। तो मैं थोड़े टाइम के लिए पंखे के नीचे बैठ गई और थोड़ा सा पसीना भी छूटा है, मुझे ना मुंह साफ करना है, ऑयल ऑयली हो चुकी हूँ, और ये ड्रेस को भी चेंज करना है, काफी चिपकू चिपकू हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेश होंगी तो खाना खाऊंगी, नहीं तो खाना नहीं जाएगा। और मुझे ना काफी सारे व्यूअर्स और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो मुझे ऐसे बोलते हैं कि आप हमेशा उसके पीछे लगते हो, मीन सुबह के पीछे लगते हो, अपना ख्याल थोड़ा सा नहीं रखते हो, रेस्ट क्या करो। मैं ऐसे बोलूंगी कि आज ए मदर, जब तक बच्चा नहीं सोता है ना कोई भी माँ आई थिंक नहीं सो पाता है। मैं ना काफी बार ट्राई कर चुकी हूँ ऐसे कि जब ज्यादा तबीयत खराब होता है तो आके लेट जाती हूँ, बट लेट ही होती हूँ, दिमाग मेरा सोता नहीं कि मेरा आंख नहीं बंद होता है, ऐसे लेट जाती हूँ, हाँ लेटती हूँ लेटने, बट जब तक वो सोता नहीं तो मैं नहीं सो पाती हूँ। आज भी वैसे ही हुआ कि मॉर्निंग में मेरा हेडेक काफी हो गया,
ये ना स्टार्टिंग जैसे उठती हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा हो जाता है। सुबह को मॉर्निंग में स्टडी ले रही थी तो वहां पे मेरा हेडेक काफी हो गया कि सेंस से बाहर हो गया, तो मैं मेडिसिन ली और सुबह को होमवर्क दे दी। मैं बोली थी थोड़े टाइम में लेट के आती हूँ, बट मैं सो ही नहीं पाई। जब ये ज्यादा होता है ना सच में मुझे नींद ही नहीं आता है, इतना पेन करता है, और बस इस वजह से सो नहीं पाई। और सुबह का जैसे होमवर्क कम्प्लीट हुआ तो वो भी आ गया कि मम्मा मेरे साथ खेलो, खेलते खेलते ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया। और मैं मानती हूँ तबीयत खराब के टाइम ना आपको रेस्ट करना चाहिए, बट वो टाइम ना अलग होता है। जब अगर वो स्कूल जाता ना मैं थोड़े टाइम के लिए सो जाती थी या मेरे ऊपर ध्यान देती थी, बट इस टाइम नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को पता है जब तक बच्चे खुश नहीं होते हैं ना हम बैठ नहीं पाएंगे या अपने बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं, हर कोई, चलिए ये बैटरी भी डाउन होने लगा है, तो मैं ऐसा नहीं सोचती, हर कोई ऐसा ही सोचेगा और करते भी हैं। और तो जो मैं कर रही हूँ ना हर कोई करते हैं। ये था आज का हमारा डिनर जो कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी जाऊंगी इन दोनों के पास, नहीं तो ये दोनों उठेंगे नहीं। और ये है मेरा घर। सो और ये ब्लॉग को मैं एम पे एंड करती हूँ, मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ। एक ना छोटा सा गेम है जो मैं आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था, वो है, वो ना एडिटिंग नहीं हुआ है, उसको एडिटिंग करना है, तो बहुत सारे काम है। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा आई थिंक, क्योंकि संडे को मुझे ना लैपटॉप ठीक करना है, लैपटॉप थोड़ा सा खराब है अभी, जिस वजह से मुझे एडिटिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो करंट संडे को उसको ठीक करेंगे, आज फ्राइडे कल सैटरडे देखते हैं क्या होगा। मैं वो गेम को पहले एडिट करूंगी, क्या करूंगी, जो भी आएगा थोड़ा सा लेट लेट होके आएगा जो भी आएगा। तो चलो मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, खास करके बच्चों का भी ख्याल रखिए।